इस सफर में हम कुछ बेहतरीन शहरों से होकर गुजरे। राजकोट की गलियों से लेकर भुज तक हर मोड़ पर कुछ नया सीखा। जामनगर के बांधनी को देखा, अहमदाबाद और सूरत की रौनक का मजा लिया। हमारे सफर के हर पड़ाव पर ड्राइवर्स और टायर्स ने हमेशा अपना कमाल दिखाया। चाहे रास्ते कितने ही कठिन क्यों न हो, इस सफर ने हमें ये महसूस कराया कि हर शहर की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी में छुपा होता है एक नया लेसन। हमने गुजरात के वाइब्रेंट शहर सूरत को अलविदा कहा और इस सफर में हमने एक नए राज्य में कदम रखा। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने रिच कल्चर, हेरिटेज और अपनी खूबसूरत कोस्टलाइन के लिए मशहूर है। हम बढ़े मुंबई की तरफ पुणे के रास्तों से। ये रास्ता हमारी यात्रा में एक नया रोमांच लेकर आया। पुणे के पहाड़ी रास्ते और मुंबई की भीड़ भरी सड़कें हमारे टायर्स और ड्राइवर्स के लिए एक चुनौती बनी, लेकिन हमेशा की तरह हमारे ड्राइवर्स ने अपने तजुर्बे से हर रुकावट को पार किया। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाना उनका काम था और ये उन्होंने बखूबी निभाया। हमारे सफर का अगला पड़ाव था मुंबई की मशहूर वाशी मंडी, शहर का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल मार्केट, जहां हर तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल और स्पाइसेस का व्यापार होता है। इस मंडी का किरदार सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे ड्राइवर्स ने बड़े ध्यान से सब्जियों के बोझों को ट्रक पर चढ़ाया। ये काम ना सिर्फ हमारे ड्राइवरों की मेहनत को दिखाता है बल्कि हमारे टायर्स की बेहतरीन क्वालिटी को भी सामने लाता है, जो हर भार को आसानी से संभालते हैं, हर मोड़ पर अपनी पकड़ जमाए रखते हैं। 7,500 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक बात जो हम सबके दिल को छू गई वो ये थी कि भारत कितना सुंदर और कितना बहुसांस्कृतिक देश है। हर शहर, हर राज्य की अपनी एक अलग रिवायत। जब तक आप इस देश के अंदरूनी रास्ते, हाईवेज और गांव के पथ पर सफर नहीं करते, आप इस देश की असली खूबसूरती को नहीं महसूस कर सकते। और इस सफर में हमारे साथी बने अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स। हीट शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ ये टायर्स फ्यूअर स्टॉप्स के जरिए ज्यादा वक्त और प्रॉफिट्स बचाते हैं। स्टडी साइडवॉल के कारण फुल लोड के बावजूद भी टायर्स अपनी मजबूती बनाए रखते हैं, ऑफरिंग द लोएस्ट डिफ्लेक्शन अंडर लोड। ये सफर हमें याद दिलाता है कि भारत की हर गली में अपनी एक अलग कहानी छुपी है, एक नया अनुभव देखने को मिलता है। इस सफर में हमने ना सिर्फ अपने देश की खूबसूरती पर गर्व किया बल्कि इसकी विविधता और विशालता का भी एक एहसास हुआ। अब अपने सफर पर आते हैं। हमारे ड्राइवर्स अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स के साथ, जिनकी ड्यूरेबिलिटी और ग्रिप ने हमेशा रास्तों को डोमिनेट किया, अब पुणे के रास्ते कोल्हापुर की तरफ बढ़ रहे थे। पुणे, जो महाराष्ट्र का एक प्राचीन और सांस्कृतिक शहर है, अपनी रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ के लिए जाना जाता है। पुणे से कोल्हापुर की यह यात्रा भी एक अलग कहानी रखती है। कोल्हापुर, जो अपने राजवाड़ा इतिहास और देवी महालक्ष्मी के मंदिर के लिए मशहूर है, ये शहर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोल्हापुर का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है यहाँ की मशहूर GI टैग प्रोडक्ट, कोल्हापुरी चप्पल। ये चप्पल सिर्फ फुटवेयर नहीं बल्कि एक विरासत है जो सदियों से चली आ रही है। कोल्हापुरी चप्पल अपनी ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी बनावट में प्योर लेदर का इस्तेमाल होता है। कोल्हापुरी चप्पल पूरी चमड़े की रहती है, पूरा चमड़ा रहता है, नीचे ऊपर पूरा चमड़ा और पूरा हैंडमेड रहता है, हाथ से बनाया रहता है पूरा। उसको हाथ से सिलाई किया जाता है। छोटे छोटे कारागरी जो कोल्हापुर के आसपास जो 10-15-20 किलोमीटर रहते हैं, गाँव है, उधर छोटे छोटे हमारे जात के लोग बनाते हैं। हर एक चप्पल में आपको कारागिरों की मेहनत और उनका डेडिकेशन नजर आएगा। छोटी छोटी
जो जो चोटी लेदर की बीनी रहते है सब लेडीज लोग बनाते हैं। इसको अस्तर बिस्तर पूरा चमड़े का रहता है, पूरा हाथ से सिलाई किया रहता है, पूरा टिचिंग किया रहता है, नीचे ऊपर पूरा चमड़े का, साइड में पूरा लेदर टिचिंग आता है और एकदम दिखने में एकदम खूबसूरत दिखती कोल्हापुरी चप्पल। पूरा पूरा 100% लेदर रहता है इसके अंदर। ये चप्पल्स अपनी ड्यूरेबिलिटी और डिजाइन के लिए जानी जाती है जो आम फुटवेयर से बिल्कुल अलग होती है। बहुत पुराना मार्केट है, हमारे दादाजी के जमाने से आ रहा है, पिताजी के जमाने से आ रहा है मार्केट, और हमारी पीढ़ी और पीढ़ी मैं कर रहा, मेरे पिताजी करते थे, मेरे पिताजी के पिताजी और मेरा बेटा भी कर रहा है यही कोल्हापुरी चप्पल मैन्युफैक्चरिंग, और इधर ही बेचते हैं ओरिजिनल कोल्हापुरी बेचते हैं। और ये पूरा मेन ओरिजिनल मार्केट ये है, पुराना मार्केट ये है, और आजू बाजू भी बहुत सारे दुकान निकल गए अभी कोल्हापुरी मार्केट में, लेकिन बेस्ट प्रॉपर मार्केट ये है। कोल्हापुर से गोवा तक का सफर आसान नहीं था। मौसम ने अपना रंग बदला और बारिश के साथ छोटी मोटी मुश्किलें सामने आई, लेकिन हमारे ड्राइवर्स ने हर चैलेंज का सामना अपनी हिम्मत और मेहनत से किया। हल्की फुल्की बारिश और स्लिपरी रास्ते भी इनके हौसले को नहीं तोड़ पाए। इनकी स्किल ने हर मोड़ पर साबित किया कि क्यों ये और अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स एक बेहतरीन जोड़ है। बारिश के बावजूद गोवा आके हमने देखा कि ये शहर कितना खास है। गोवा के स्टनिंग बीचेस, वाइब्रेंट नाइट लाइफ और कॉलोनियल हिस्ट्री की झलक हमेशा एक अलग ही चार्म रखती है। बागा और अंजुना बीच की खूबसूरती से लेकर पोर्तुगीज आर्किटेक्चर तक, गोवा की कोस्टल ब्यूटी और कल्चरल वाइब्रेंसी का कोई जवाब नहीं। गोवा का ये ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री और नेचुरल स्प्लेंडर हमेशा याद रहेगा। गोवा की यात्रा का एक और खास पल बेबिंका केक। ये ट्रेडिशनल गोवन डेजर्ट ना सिर्फ टेस्ट में लाजवाब है बल्कि इससे एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। बेबिंका जो कि एक लेयर्ड पुडिंग है, कोकोनट मिल्क, एग और स्पाइसेस से बनता है। The whole process of making a bibimbap is very tedious and time consuming. To make one bibimbap, probably I will take about 2.5 or 3 hours because each layer is baked separately. It's baked for 20 minutes, bring it out, pour another layer over it, and that goes on till about 8 or 11 layers. इसका बनाने का तरीका भी बहुत unique है। हर एक layer को अलग से bake किया जाता है, जो इस cake को एक distinct texture और flavour देता है। गोवा की ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में बेबिंका का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये केक गोवन कल्चर और हेरिटेज का एक मीठा और खास इजहार है। गोवा में हमारे सफर का एक और अध्याय खत्म होता है। ये जगह जहाँ के बीचेस की खूबसूरती ने हमारे दिल को छू लिया, ये शहर एक अनमोल याद छोड़कर जाएगा। इस यात्रा में अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स ने हमारे साथ हर मुश्किल का सामना किया, चाहे वो घने जंगल हो या कोस्टल हाईवेज। इन टायर्स की अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ने इस जर्नी को सुरक्षित भी और स्मूथ भी बनाया। ये सफर हमारे ड्राइवर्स और टायर के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। अब हम महाराष्ट्र से बाहर निकलकर कर्नाटक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सफर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। आगे के रास्ते में हम बेंगलोर के बसलिंग स्ट्रीट्स से लेकर उड़पी के फेमस टेंपल्स और फिर कोची के वाइब्रेंट कोस्टल लाइफ तक का सफर करेंगे। हर शहर अपनी कहानी के साथ हमें नए नए एक्सपीरियंसेस देने वाला है। ये जर्नी नए फ्लेवर्स, लैंडमार्क्स और एक्सपीरियंसेस से भरी होगी, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अभी आगे और भी ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट्स आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।